بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن पेशे के लिहाज से आप डॉक्टर हैं, लेकिन आप है पहली मरतबा सूरह रहमान का आप सुनी और तीन वजूहात की वजूहात पे मैं आप किस तरह काबू आ गया ये तो नेट पे इतना ज्यादा है। मैं 1999 92 में मैं डॉक्टर बन के हाउस जॉब शुरू हो गई थी मेरी, इसी हॉस्पिटल में मैं शुरू किया एक बालियन। लेकिन हाउस जॉब में ही अल्लाह से ये दुआ करता था, जब मरीज मरते देखता था, असल में अपने अंदर चोर होता था कि शायद मैं इतना अच्छा डॉक्टर नहीं हूँ, मैं इतना लायक वायक नहीं हूँ, या शायद मेरी एफर्ट में कमी है, इलम की कमी है। कोई मरीज मरना जाए तो अल्लाह करीम से दुआएं भी होती थी साथ, रात को तो स्पेशली जाके मरीज याद आते थे, जो बच्चे हाउस जॉब करते हैं या जो भी अर्ली डॉक्टर्स होते हैं उन्हें याद है कि घर जाके भी बंदा सोच रहा होता है कि ओए उसका वो वाला टेस्ट रह गया, उसका ये नहीं किया था, उसका वो भिजवाना रह गया। ठीक है, तो उसमें दुआएं भी करता था अल्लाह से। शुरू में जब मैंने देखा मेरे सीनियर जो थे, जाहिर बात है वो तो जज्बाती नहीं थे, तो वो कई मरीजों के ऊपर बड़े आराम से, मुझे होता था कि ये यंग माँ है, इसके तो दो छोटे से बच्चे हैं, डिलीवरी में इसकी ये हालत हो गई, या अल्लाह ये बच्चे इसके, ये 2 दिन का बच्चा ये क्या करेगा, तो अल्लाह करीम से बड़ी दुआएं होती थी। या ये बाबा जी के घर वाले आ ही नहीं रहे, इनकी औलाद 5 बेटे 3 बेटियां, लेकिन वो कैनेडा अमरीका इंग्लैंड से आ नहीं रहे और इनका मुलाजम इनको संभाल रहा है, और सुनने में आया कि ये ब्रांडस रोड के बहुत बड़े सेठ साहब थे, अब इनकी बेचारे की नौकर कुछ बदल दे तो बदल दे, दवाई कभी होती है कभी नहीं होती है, तो या अल्लाह इसकी जान आसान कर दे। ठीक है, और ये बेचारे का जख्म पड़े हुए हैं, बुरा हाल है, मुलाजिम जितना कोई ध्यान कर रहा है, या कोई हमसाया बेचारा खुदा तरसी में कोई रिश्तेदार कर रहा है साथ, सारा दिन उसने कोसना कि 8 पुत्र ने दिए, 7 धियां ने दिए, अन्य जने ने, देखो जी सानू सामना पै गया, सारा माल लै गया, इस तरह की कहानियां भी होती थी। उसमें उसके लिए ये भी दुआ कर देना कि या अल्लाह इसकी मुश्किल आसान कर दे, इसके तो अब जिस्म में कीड़े पड़ गए हैं या जख्म हो गए हैं या इतनी बुरी हालत है, तो वो मरीज लटका ही रहता था, जाता ही नहीं था। ठीक है, वो जो साथ संभालने वाले कई बार होते थे या पुराना मुलाजिम या कोई हमसाया, उन्होंने कहना असल जी ये बड़े सख्त जान सन है, बड़े सख्त भी है सन जी, वैसे आप भी बड़े फरौन भी है सन जी, वो बच्चे की करन जी, इन्होंने चंगा तुनिया उन्होंने पहले जी, माँ उन्होंने दिन तो पहले तलाक दे चुकी थी, बंदा वैसे जबान का बड़ा कौड़ा सा। ठीक है, इस तरह की कहानियां भी सुनने को मिलती थी। ठीक है, वो जी माल 2 नंबरी जड़ी है ना जी, उदे इन्हां ते खत्म सी, ये 3 नंबरी करके भी बेच लेते, तो अब वो माल शाल भी काम नहीं आ रहा था, औलाद भी कुछ भी नहीं होता था, पता नहीं क्या कहानी होती थी। लेकिन हमें मुझे कई बार आना कि यार फिर इसकी जिंदा रहना, ये तो बेहोश पड़ा, अब इसका हाल ये है, 3 महीने हो गए हमारे इधर पड़ा हुआ है, तो या अल्लाह इसकी जान आसान हो जाए। सूरह यासीन सुनी हुई थी, ठीक है, खुद तो नहीं पढ़ता था, कई बार उसके रिलेटिव से किसी कहना यार सूरह यासीन सारे रख देने वहां पे उस वक्त, ठीक चलो डॉक्टर जब सीनियर भी नहीं इतना कर रहे होते थे, बस ठीक है नर्सिंग केयर, वो तो उस बेड पे रुके भी नहीं, उसके लिए भी ये हमदर्दी होती थी ना कि अल्लाह इसकी जान आसानी से निकल जाए, हमें तो नहीं पता कि वो फिरौन था क्या था, जान नहीं फिर निकलती ना, जब लोगों की जानें खाम खा ली हुई हो तो अपनी जान निकलती नहीं है, फिर उनकी आहें पहले इधर सारी आपकी निकलती हैं, फिर उसके बाद कुछ हिसाब होता है कि अल्लाह ने तो आपको फिर साफ करके लेके जाना ना, तो उसके तो वो तो रहमान है ही है। खैर वो भी नहीं समझ आती थी, कई बार छोटे बच्चे के लिए दुआ, वो बच्चा मर जाता बेचारा, या जिसका समझ ना कि ये शुक्र है ये मैंने मरीज बड़ा अच्छा देखा है, मैंने डायग्नोसिस किया है, मैंने इसको टाइम पे ये किया, सर ने मुझे शाबाश भी दी है, ठीक है अब ये इसको कल छुट्टी देंगे, अगले दिन पता चलना वो तो रात ही फौत हो गया, और जिसका समझ ना कि इसने तो बचना ही नहीं है, उसने टल के चले जाना। आईसीयू उसी वक्त मैंने शुरू कर दिया था, सीसीयू हाउस जॉब फर्स्ट ईयर के बाद मेरी सारी ट्रेनिंग थी, इस साल मैं उसी में रहा हूँ, तो उसमें फिर अल्लाह से दुआएं करते करते अल्लाह जी से एक किस्म की लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई, जो सुनना अब जमजम का सुन लिया, वो मरीजों के NG होती है नाक में मैदे में डाली वो डाल देनी सारी चीज़ ठीक करना, कोई हाजी साहिबान जो आते थे जमजम आना मैंने वो लेके बॉटल में सुना हुआ था इसको और बढ़ाते जाए, तो सारा कुछ करना कुछ नहीं होता। ये भी हदीस सुन ली कि अल्लाह ने हर मर्ज की शिफा नाजिल की है, तो ये भी लड़ाई शुरू हो गई कि आपने हर मर्ज की शिफा नाजिल की है तो कहाँ है आप, तो फालतू कोई काम ही नहीं करते, खाम खा वो जाया जा रही है किसी को पता ही नहीं है, आप मुझे बताएं मैं मुफ्त बांटूंगा, कहते अपना क्या ही अगे आ जाता ना, ठीक है नहीं ना, बहुत हीरो नहीं बनना चाहिए जिन्हें एड्डी वड्डी जे जलेबी बनाई है, तो वो खाँदा जलेबी किसी को, पर असी खुआ की कोशिश की उन्होंने कई लालच देते,
नहीं, अलमिया बस मैं सबको बताऊंगा, मुफ्त बताऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो मैनू दस दे। उन्हें कोई जवाब नहीं दिता। इलामा इकबाल कहते थे, आते हैं नालों के जवाब आकर, अभी क्या नाले के ऊपर नाले ये गल हो रही। रो पिट के भी वेख लिया, नहीं कोई जवाब शवाब नहीं दिया। अपनी वालदा मेरी हज करने गई थी 97, मुझे याद है जब आग लगी थी बहुत ज्यादा। उन्हें कहा कि माँ जी जमजम तुम थले खूह च भावे डिग पो, लेकिन असली लैके आना, क्योंकि तो बाहर नहीं है इस कौम का, ठीक है ना। तो सारे साइंसदान ने कोई पता नहीं, वो तू एनी बोतल लैके आए ने, कहते अथी बधाणी है ना, तो दरियाए रावी सुट के फिर ड्रम भर ले, फिर क्या हूँ यार जाने नहीं उत्थे अथी भरी, साड़ियाँ भी तो अपने ही फार्मूले ने। खैर वालदा को कहा कि आप लेके आइए, वो ले आई तो उन दिनों भी मुझे ये खांसी लगी हुई थी बड़ी शदीद, ठीक नहीं होती थी, वो जो एक बहू बहू वाली खांसी होती है, नजला जुकाम लग जाए उसके बाद दो दो तीन तीन महीने जान नहीं छोड़ती, वो लगी हुई थी। मैं जमजम भी पीते, आयुष के मरीजा ने भी पिया, उसके बाद मैंने तकरीबन चैप्टर क्लोज कर दिया, क्योंकि साड़ी बहू बहू भी होती रही, ठीक है। कोई फॉरन मुझे था अभी पियेंगे और यूं ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होया, ठीक है। तो अब तकरीबन हम भी उधर से डॉक्टरी में तेजी से तरक्की कर रहे थे, सीनियर डॉक्टर्स भी मेरे लाहौर के जो भी उधर आते थे, तो इत्तेफाक हॉस्पिटल लाहौर का वाइड प्राइवेट बड़ा हॉस्पिटल था, एक सारे उधर ही प्रेफर करते थे, वो आते भी थे। ऐसा ऐसा ये तो हो गया कि उन्होंने कहा ना जावेद मेरी वालदा के पास आप बैठ जाए, मैं अगर आप कवर कर लें तो मैं जरा घर चले जाऊँ, या यार ये मेरी वालदा को देख, या मेरे भाई को देख, या मेरे वालिद को देख, या मेरी फूफो है, ठीक है, तेरा क्या ओपिनियन है। अभी मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की नहीं थी, तो जाहिर बात है फिर फन्ने खानी तो आती है, ऊपर से आप आईसीयू के डॉक्टर हो, आईसीयू वाला जो होता है ना ये ऑलराउंडर होता है, मतलब जिस तरह क्रिकेट टीम में नहीं आपने देखा शाहिद खान अफरीदी जब था ऑलराउंडर, वो कुकड़ तरह सील कुकड़ तरह आकड़िया, मतलब पहली गेंद छिका थे जीरो थे आउट बोल्ड, लेकिन वापस भी आकड़ के आंदा, मतलब वो ऑलराउंडर है, उसकी एक अपनी शान होती है। आईसीयू वाला डॉक्टर भी जो होता है ना ये डॉक्टरों का पीर होता है, ठीक है। बड़े से बड़े प्रोफेसर सर्जन फिजिशियन जो मर्जी हो, ऑपरेशन करके उस पेशेंट खराब हो गया ना, हूँ आईसीयू वाले के पीछे पीछे है, यार साडा मरीज लै लै यार है, कुछ तरीके ना मारे साढ़े तो ना पै जाए, कुछ कर जो भी है, आखिरी आखिरी दौड़ आईसीयू और आईसीयू का डॉक्टर, तो जहरी बात है फिर आप और फन्ने खां हो जाते। उस फन्ने खानी में अभी जिंदगी शुरू हुई थी, तो शुक्र है अल्लाह ने पकड़ लिया, तो एक मरीजा थी उसकी सुई मेरे लग गई, उसको सेंट्रल लाइन डाल रहे थे, लाइन डाल के उसके सुई ब्लड भरी हुई सिरिंज मैंने रखी हुई थी परे, और सिस्टर से धागा मांग रहा था, वो बहुत रेस्टलेस थी, बहुत ही हालत उसकी खराब थी, उस जमाने में एक बीमारी थी साथ, समझते शायद वो आई है, जिसको वो नमोनिया कुछ पता नहीं था, आया ही था पेशेंट आई, तो उसने बाद में पता चला, ये उस वक्त हमें अंदाजा हो गया, वो खुद को टीके लगाती थी नशे के, तो उसकी वेन कोई नहीं मिल रही थी और होश उसको थी नहीं, साथ कोई था नहीं, पीछे से एमएस का फोन आ गया कि फलां इब्ने फलां ने इसके लिए फोन भी कर दिया, वो हाई सोसाइटी की सेक्स वर्कर थी उस समय, ठीक है, और वो बेचारी अब मर रही थी, और निमोनिया एक किस्म की चेस्ट उसकी बहुत खराब, ऑक्सीजन सेचुरेशन वो भी, अब हमारी कौम आजकल की तो समझती सेचुरेशन क्या होती है, तो आते साथ आईसीयू में थली पड़ गई। मेरा जूनियर डॉक्टर उसका भी जावेद था एजेंसी, तो जावेद ने मुझे कहा यार मैं जावेद साहब का की करना है, मारी ना जाए हूँ की करिए, जो तुम खलोवो तो मैं लैन पाना, उसको बेहोश करके वेंटिलेटर पे भी डालना था, लेकिन दवाई कहाँ से, वो मैं हेड साइड पे खड़ा उसके वो डाल रहा था, और वो डल गई तकरीबन, अब मैंने सिर्फ स्क्योर करना था, जब मैंने वो सिस्टर से धागा मांगा, उसने उधर से मरीजा ने हाथ उठा के उसको थप्पड़ मारा, ये मारने लगी कुछ जो भी था, उस वो सेकेंड्स में हो गया। जूनियर स्टाफ थी, उसने अपने जैसे को ना एक्साइटमेंट में, उसकी एक्साइटमेंट ये थी कि मुझे सैंपल मिल गया, जो उसको बाद में निकालना था, जो निकल नहीं रहा था उस मरीज का, उसको 10 cc ब्लड मिल गया, सारे डॉक्टरों ने जो टेस्ट लिखने थे या लिखे थे तो वो उसको सैंपल मिल गया, उसने उसने जल्दी की, मैं जो समझता तो वो नीडल उठाने की, उधर से उस मरीजा ने उसको पता नहीं मारने की कोशिश की है या उसने उससे बचने की कोशिश की है, और सारा कुछ अल्लाह की तरफ से, अब फिर ये डा पा दियो अल्लाह देते, ठीक है ना, मैं इधर झुका हुआ वो लाइन स्क्योर कर रहा हूँ, उसे मैंने हाथ आगे किया कि स्टिच मुझे दो, ठीक है, उसके हाथ में नीडल फुल थी 10 cc की, उसने वही ऐसे किया अपने आप को बचाते, वो मेरे ये वेब में मुझे आज तक याद है, यहाँ चले गई अंदर तो ब्लड भी चला गया। जो डॉक्टर्स हैं सर्जन हैं जो मेडिकल काम करते हैं लैब्स वाले हैं,
उन्हें पता है कि मेरी फीलिंग्स क्या हो। बहरहाल वो मरीजा तो मर गई और पता चला कि उसको HIV भी था, बल्कि उससे फुल ब्लोन एड्स थी, और उसको बी और सी वायरस भी उसके खून में मौजूद थे। ठीक है, और 6 महीने टोटल गुजरे नहीं तो मेरे तीनों ही पॉजिटिव थे, और मैं एक डिप्रेशन, खौफ। एक बंदे को पता है कि अब मौत आ रही है, वैसे तो पता था मौत किसी वक्त भी आ सकती है, गल्ला करनी है वो गल्ला ही तो होता ही है ना, लेकिन आप देख लो हमारे मुल्क में किसी को याद है मौत आनी है? ठीक है, दूसरे की आनी है, साड़ी तो नहीं आनी, ऐसे ही होता है ना। वो वैसे तो बड़ा याद होता है, लेकिन जब इस तरह हो जाता है तो अब हो गया जो होना था। ठीक है, तो अपनी अकल समझ, जो मेरे वसाइल थे उसके मुताबिक दोस्तों को ईमेल्स की, अपना नहीं बताया कि मुझे हो गया। उन्होंने कहा यार वो मेरे साथ एक नर्स है, हमारे साथ कोई एक दोस्त है, किसी को कुछ किसी को कुछ कहानी। उस वक्त ईमेल ही होती थी, फोन के लिए तो पैसे काफी लगती थी पाकिस्तान से बाहर कॉल्स। यहाँ भी जो लिटरेचर मुझे भी पता था, पता तो मुझे था, लेकिन कहते हैं ना कि मरता क्या ना करता कुछ तो बंदा करता है, तो आहिस्ता आहिस्ता वो पता तो मुझे था कि कुछ नहीं हो सकता। 1.5-2 साल मेरा ख्याल है 20 kg वेट, मुझे याद पड़ता काफी लूज था, घर में एक ही बैठा बात नहीं करता था, बच्चों को करीब नहीं आने देता था, और 3 हॉस्पिटल्स में अपने आप को बिजी कर लिया। बस एटीट्यूड जो उस दौर में मेरे दोस्त थे वो सारे, वो कहते तू बड़ा एग्रेसिव और मिटिकुलस, मरीजों की हर बात पे, मैं छोटी छोटी बात पे भी उनकी जान अदा कर देता था जूनियर्स की, और बस अपनी ड्यूटी कर रहा था। ठीक है। साथ उस इलाज की तलाश में था, अचानक शायद कहीं से मिल जाए, ढूंढ एलोपैथी में ही रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ अच्छे होम्योपैथ थे जिनका सुना किसी से, उनसे डिस्कस भी किया जाके, कुछ दिन वो मीठी मीठी गोलियां चूसी भी, फिर टेस्ट कराता था, टेस्ट नेगेटिव नहीं होता था, टेस्ट तो पॉजिटिव होते थे। अलामत अपरेंटली मुझे कोई नहीं थी, मेरा ख्याल है वो डिप्रेशन या उस खौफ से मेरे जिस्म हर वक्त मुझे थकावट और बुखार, हल्का सा वेट लॉस हो ही जा रहा था, भूख की तलब नहीं होती थी, कभी नींद शदीद आती थी कभी आती ही नहीं थी। अपनी कुछ तस्बीहें तस्बीह भी पढ़ता रहता था, दुआएं मांगता रहता था, नमाज उस वक्त भी पढ़ता होता था, फिर जरा वो नमाज जरा और नमाज हो गई। फिर पीरान से मिलना शुरू हुआ, कुछ पीर साहिबान का पता चला, कुछ उलमा का पता चला। आखिरी जो इधर मैंने चैप्टर क्लोज किया था वो एक बहुत बड़ी जामिया थी, वहां मैंने सुना, वहां गया, उन्होंने बड़ा प्यार किया, उन्होंने एक तावीज दे दिया, मैंने कहा बस ये आपने ऐसे करना है वैसे करना है कुछ। उन्होंने, उनके जो साहब और भी थे साथ, उन्होंने कहा कि इनके घर में जो आम के दरख्त पे जिन ने पता नहीं उसको उड़ा दो। मैं बड़ा इंप्रेस कि हमारे घर के आम का दरख्त इन्हें कहाँ से नजर आ गया, उसका सारा उबैद साहब ये पता नहीं उन्होंने कुछ पढ़ा पढ़ाया भी। बहरहाल मैं किसी को कुछ कहता नहीं था, चुप रहता था कि यार ये इनका इलम है और बड़ी बात है, इन्हें कैसे पता कि मेरे घर में आम का दरख्त है। आप जिन साहब को भी मैंने कहा अच्छा यार पूछ लेंगे कि भाई तू आईसीयू में क्या करने आया हुआ, ठीक है तू घर में जो तुझे हमने प्लॉट लेके दिया हुआ था तेरे लिए लगाया हुआ है वो भी, लेकिन चुप रहा जैसे उन्होंने कहा। लेकिन रिजल्ट जब वही रहे तो वो मेरी उस वक्त तनख्वाह भी 2 हॉस्पिटल से सैलरी लेता था, तीसरे से ऑनरी कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था, जितनी भी थी उसमें से वो बीच में कभी कभार टेस्टों पे लगती थी उस वक्त, तो फिर वो तकलीफ होती थी कि यार ऐवें उनके पास दोबारा आया तो उन्होंने हंस के कह दिया आप भी तो 50 वाला तावीज लेके गए थे, 500 वाला आज इन्हें तावीज दो। मैं दिल गया उठ लुदिया पटिया चाल चलिए। ठीक है, जब इतनी तलाश आप ये सारी कर चुके हो, उस वक्त अचानक आपकी एक जूनियर डॉक्टर आपके सामने किसी मरीज को कह रही हो आप आंखें बंद करें, 3 बार अल्लाह करें और पानी पिए, जो खून की उल्टियां कर रहा हो, काले जरकान से मरने वाला हो, उसके बाप को हम कह रहे हो कि यार इसके लिए ब्लड लेके आओ, वो कह रहा हो मेरे पास पैसे नहीं है, मरता है तो मर जाए, मेरा इकलौता बेटा मैंने सारा पैसे इसके लगा दिया, अब इसके इतने इतने बच्चे हैं, मैं रेलवे का गार्ड रिटायर्ड हूँ, मैं कि तू पैसे ले आवा, ये किसी भी बाप की एक बहुत बड़ी कह लो कि लाचारी की मेरे सामने वो सीन आज तक मुझे याद है, जब मैंने उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था आईसीयू में खड़ा, देखिए ये आपका बेटा ब्लड तो नहीं ना हॉस्पिटल देगा, वो तो आपने लाना है, ये खून की उल्टियां कर रहा है। तो काले जरकान का पेशेंट था और काफी सालों से आ रहा था, जूनियर डॉक्टर एक मेरी आई थी अंदर बगैर दुपट्टे वाली, लंबे बाल, गुआची जी होती थी बहनी,
दो तीन माह ही हो गए थे आए हुए, और हम अभी सोच रहे थे कि इसको रखना है कि नहीं रखना, कंटिन्यू करवाना है कि नहीं करवाना, कोई अच्छी चीज शायद वो अपनी मौज में होती थी। बस एक ही चीज उनकी अच्छी थी जो सारे सीनियर तारीफ करते थे कि यार ये पेशेंट की सीरियसनेस का सबसे पहले शोर डाल देती है, ये कम से कम बता देती है दूसरों को कि जी आ जाओ आ जाओ है चल आ जाए, या ये पेशेंट सीरियस है, मतलब ये नहीं कि कमरे में बैठी रहे या उसको अटेंड ना करे, और टाइमली इमरजेंसी पे अलार्म कर देना, ये भी बहुत बड़ा काम होता है जूनियर डॉक्टर के। ठीक है, तो अगर वो हमें टाइमली बुला लेती है तो दिस इज गुड। ये एक क्वालिफिकेशन के अलावा उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं, फिलहाल उनकी समझ नहीं आती थी कि यार वो 10 वरी गए थे, ऐसे दवाई लिखनी है, ऐसे मिलीग्राम लिखने ने, ऐसे बिफोर मील्स लिखना है, ये फिर इधर वाले सफेद लिख दिए, और नर्स दवाई नहीं दिंदी, वो कहती है इधर तो लिखा नहीं, नर्सों को भी तो इतना टाइम नहीं ना होता। ठीक है, वो कुछ मसले मसाइल थे कि यार ये क्यों नहीं समझे, फिर ये उल्टा कर देती हैं, क्या करती हैं वो। अब अंदर आई हुई थी कोई पेशेंट, फिर वो ये अलार्म करने, और मैं चूंकि उधर फंसा हुआ था, जूनियर डॉक्टर था आप तो, वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं सिंगापुर में, किडनी के मासूम जावेद मासूम, और मैं वो बाबा जी को कन्विंस कर रहे थे कि आप ब्लड अरेंज करें। और तो बाबा जी आ गए से फ्रंट हो गए, जो थे बुजुर्गवार, बेटा उनका सामने सुन रहा है, काला लिबास उन्हें पहना, सलीम नाम था। जब उन्होंने यही कह दिया जी मर्दा थे मर जाए, तो हमारे पास तो आर्ग्यूमेंट सारे खत्म हो गए, ये डॉक्टर साहब आगे हुई एकदम, मैं इन्हें जानबूझ के इग्नोर कर रहा था कि ये जरूर कोई नवी मुसीबत ले आई है, पहले दिन बेड़ ली है। ठीक है, तो ये अब क्या चाह रही है, लेकिन उसने एकदम मुझे भी बाईपास किया, वो मरीज को जाके उसका ही गिलास उठा के थी भाई आप आंखें बंद करें 3 बार अल्लाह कर पानी पी ले, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा कि ये क्या कर रही है यहाँ पे आईसीयू के अंदर। ठीक है, बहरहाल वो मरीज में एक वाजे चेंज थी, वो पानी को देखी जे पी के उन्हें कही जे, एकदम उसका भी एटीट्यूड चेंज हुआ। रास्ता उसने पहले आर्ग्यू भी किया कि बाजी मैंने उल्टियाँ, वो बाजार था, वो मैंने डॉक्टर मना किया, नहीं अब मैं भी डॉक्टर हूँ मेरे कहने अभी इतना सब वो भी मेरी तरह मायूस होगा कि यार इतना की होना है। उसमें भी चेंज आई, फिर मेरे से उन्होंने कहा कि सर कोई कैसेट प्लेयर मिल जाएगा, इधर सूरह रहमान लग जाएगी। मैंने कहा बेटा ये डिस्को ना लाइए थे, मतलब मेरी इस तरह की बकवास थी आगे से, यार ये डॉक्टर ही क्या ये कर रही है, और जूनियर इतनी डॉक्टर, और हजरत डॉक्टर जावेद आईसीयू के बड़े डॉक्टर, इत्तेफाक अस्पताल के फन्ने खां, ठीक है उनसे बात करने की भी एक तो जसारत कर रही है बगैर इजाजत, और ऊपर से फार्मूले अपने बता रही है। ठीक है, वो हद अदब हम कहने ही वाले थे, क्योंकि हम भी बादशाह अकबर होते, वो मुर्शद आ गया इधर आओ कुर्सी थोड़ी सी पीछे कर, तो क्या करते उसको डांटने ढूंढने के तो चक्कर में मैं था, ये आप क्या कर रही हैं कुछ, लेकिन भाई को फोन किया, मेरे साथ ही घर था इस पास, तो कहा यार जरा वॉकमैन ले आ, वो ले भी आया, पर वो कहानी भी मैंने सुनाई भी है, वो छुट्टी लेके चले गए, वॉकमैन साथ ले गए, 8वें 10वें दिन उसका वालिद, वही वालिद आया, बड़ा जैसे कहें कि एंथुजियास्टिक या एक्साइटेड, डॉक्टर साहब मैं यही बैठा हुआ ऑफिस में, मेरा ख्याल था कि इनका बेटा मरने वाला होगा, नीचे वापस ले आए हैं, और अब ये कहेंगे इसमें जान डालो इसको कुछ करो, अब हम क्या करें, लेकिन उन्होंने बड़ी कि वो मेरा बेटा तो बच गया है, और उसकी परहेज बता दें उसने क्या खाना क्या नहीं खाना, वो सारा किया, बल्कि मेरे जिगर के डॉक्टर थे, उन्होंने जनरल सी पे रहे, हमारे सीनियर थे यूम खान साहब, उन्हीं का वो पेशेंट था, मैंने उन्हें कहने की कोशिश की, जब वो पेशेंट भी आ गया उधर, हाँ जी, तो मैंने उसे पूछा भी, उनने कहा इसका अल्ट्रासाउंड कराओ कि लिवर इसका श्रंकन ही है या लार्ज हुआ, और पीसीआर कराओ, उसने बस बदतमीज से कहा कि मैं 5 साल तो को बड़े पीसीआर कराए टीके लगवाए ने, तो उसी को तांग आया हुआ था इंसान कि मैंने 6 महीने पहले वो टीके लगवाए, फिर मैंने महंगे पता नहीं कैसे लगवाए आप लोगों के, मैं नहीं कराता पीसीआर, मेरा जिसम मुझे बता रहा है मुझे 5 साल से इतने साल से भूख नहीं लगी, तो बाप का एक ही बात है, डॉक्टर साहब हर शायद खाई जा रहे हैं, इन परहेज दसो की है, जिगर के पेशेंट को भूख लगना एक अच्छा साइन भी होता है। वैसे मैंने तो अपनी वो जान खत्म, मैं यूं साहब से कहने की कोशिश की, मैं कह सर वैसे देयर इज अ रिमार्केबल चेंज और बड़ी इंप्रूवमेंट है 8-10 दिन में, वो गुस्से से कहते हैं कि शट अप चुप करो डोंट टॉक नॉनसेंस, तो बाकी दुनिया में सूरह रहमान से लोग ठीक होते हैं, वो थोड़ा सा उनका स्टाइल था, इससे कहकर वो चले गए, मेरे सीनियर थे बड़े अच्छे, वो बाहर चले गए, इसको मैंने कहा मैं कह अपना फोन नंबर दे, उसने कहा जी हमारी हाँ मैं सुनूंगा। ठीक है, लेकिन ये तो पीसी वायरस का हुआ ना, एड्स का तो नहीं हो सकता, मतलब अकल तो मेरी वहीं पे फंसी हुई थी। मैंने पेशेंट्स को बताना शुरू कर दी,
फिर कहीं वो डॉक्टर साहब ने मुझे कह दिया बाबा जी बीमार हो गए हैं। बाबा जी का भी मैंने उसकी काफी क्लास ली, जब मुझे पता चला कोई बाबा जी हैं, सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी, अब तो उन्हें कहते हैं हम या पीर काकी का। फिर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि बेटा ये सब फ्रॉड होते हैं, मैं तो बड़े बड़े उलमा के पास गया हूँ, 50 रुपए के तावीज की और तासीर है, 500 वाले की और है। बड़ी बातें समझाने की कोशिश की, वो हंस देती थी आगे से और मुझे कहती थी सर आप बहुत प्यारे हैं, सर कहती थी मुझे सर आप बहुत प्यारे हैं, आपको बाबा जी ये ठीक करेंगे। मैं कह तेरे बाबे दी हंसी दादी, मैं ना ठीक कर दिया। तो बहरहाल फिर बाबा बीमार हो गया, मुझे वो बड़ी हंसी आई कि देखा, तो ठीक कर दे। खैर वो खुद बड़ी पैनिक उनके लिए अपने बाबा के लिए, मैं हैरान हो गया कि शायद इसके वालिद हैं, वालिद उनके फौत हो गए वैसे ही। खैर वो भी अजीब प्यार था, बाबा जी ने क्या बीमार होना था पता नहीं, मेरे पास मारने से आना था, पहले उन्होंने मुझे बुला लिया, रोज वो कहें कि जी बाबा जी फोन पे बात करने के बाद कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, मेरे को टाइम नहीं, मैं तू जाके की करना है। पहले एक दो बार मैंने बीच में कहा था, उसने कहा जी वो मिलते नहीं है, वो हीरा मंडी होते हैं वहां पे धमाल होती है। मैं अस्तगफुरुल्लाह कर ली, फिर एक दो मरीज ठीक हुआ, फिर मैंने कहा कि यार वो बाबा जी जो सूरा रहमान वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उसने कहा वो सूरा रहमान भी बताते हैं लेकिन वो धमाल भी बताते हैं, वो नंगे फकीर है। मैं फिर डर गया, मैं यार नंगा बैठा है होते आगे क्या करूंगा, पेड़ों पर। उसको भी समझाने की कोशिश की कि बेटा मॉडर्न घर से है, वालदा उसकी बड़ी मशहूर शायरा थी शहनाज मुजम्मिल, लेकिन वो अपने ही एक वो नहीं सुनती सुनती थी, वो अपनी एक दुनिया में थी। बात उनके बारे में है, जब वो अपने बाबा जी की बात करती थी उनकी एक अजीब आंखें चमकती थी और टू द पॉइंट, हमें 2 अरबी बात करनी। अब वो कहे कि जी बाबा जी आपसे ये, वो पहले पेशेंट के और ये कुछ 6 माह 8 माह का गैप है इसमें। अब मैंने नहीं सुनी कोई सूरह रहमान कुरान या कुछ, अपना जो नमाज थोड़ा बहुत दुआ जो भी करता था करता रहा। फिर बाबा जी बुला रहे हैं, बाबा जी बुला रहे हैं, मैंने हंस के कह दिया कि यार उन्होंने मिलना तो वो आ जाए। उन्होंने हंस के कहा कि आप अभी अपनी जिद पूरी कर रहे हैं, पहले आप कहते थे अब वो कह रहे हैं। खैर तीसरे दिन मैं चला गया, भाई मेरा छोटा साथ था, उन्होंने जाते साथ ही मैं उनके कमरे में घुसा, कहते हैं पागल डॉक्टर आया। मैंने वो माइंड किया, कहेंगे यार ये क्या फ्रैंकनेस है, ये क्या बात है। अब मुझे इस नाम से बड़ा प्यार है, उनके मुंह से बड़ा प्यारा लगता है, लेकिन समझ नहीं आई ये मुझे क्यों कह रहे हैं, ये क्या मैनर्स है। ऊपर से मैं इंप्रेस ही नहीं हुआ, वो कोई ना कोई लंबी स्वेद दाढ़ी थी, छोटी सी दाढ़ी थी, वो भी कोई ग्रे सी, बाल खराब हुए हुए, कोई खुशबुएं नहीं, कोई माथे से कोई लाइट नहीं निकल रही थी, मेरे नालों भी गोरे स्याह, ठीक है। ऊपर से ये जगह अजीब भी उनकी, वो बाद में हमने देखा कि वो बहुत चेंज होता था कलर होता है, वो जिस वक्त एक खास कैफियत में होते थे वो तो ऐसे लगती थी जैसे दहक रही है जगह। खैर तो मैं अपनी डॉक्टरी मारी जमा कि ये लगता है इनको सनबर्न हुआ हुआ है या इन्हें ऐसा ली है, तो उन्होंने मुझे उठते हुए कहा पागल ये तेरी 10 साल की दुआ का जवाब है। मैं तो मानने पे तैयार ही नहीं था, मेरे साथ उन्होंने दुआ कराई हमें, और भी कुछ लोग बैठे थे, मेरा भाई भी, भाई मेरा रोना शुरू हो गया, बैंकर था वो, गए जी मुझे खाना काबा नजर आया और पता नहीं क्या था, जमजम पी रहा था कि काबा घूम रहा था कि तो नहीं, मेरा दिल करे मैं ऐसे जूती ला रहा मुझे तो कुछ नहीं नजर आया। वो दूसरी बार उन्होंने दोबारा कहा, फिर दुआ कर, फिर कहा हाँ भाई तुझे भी कुछ नजर आया या मेरी तरह तुझे भी कुछ नजर नहीं आता। मैं गया ये चलाकियां हुई है ना, मेरी तरह तुझे नजर नहीं आता, मुझे ही तो नजर आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सारे तो हम प्रस्त पागल बैठे हुए हैं, तो ये मेरा भाई पढ़ लिखे पता नहीं से क्या हो गया। फिर उन्होंने दूसरी बार के बाद भी कहा अच्छा चल तीसरी बार, मैंने कभी किसी को नहीं कराई 3 बार, चल तुझे तीसरी बार कराते। मैं अब थोड़ा सा सोच में पड़ गया क्योंकि दूसरी बार भी वो कही जो एक आध पहले तमीज बैठा सी, वो भी खाना काबा तो भी कहा कि निकल गया रो पेट के जनाब, उन्होंने बुरे हालात, अजीब चीखें निकल रही हैं लोगों की, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। तीसरी बार मैं ये सोच रहा था, उनकी तस्वीर एक लगी हुई थी तो बाद में मुझे पता उन्हीं की थी, लेकिन वो अजीब फेज में तस्वीर थी। मैंने दाता साहब कुछ साल पहले उन्हें एक बार देखा था, किसी अम्मा जी को हमारे सामने रहती थी सज्जदारी, तो वो पीछे पड़ी रहती थी कि आप पहली नौचंदी जुमेरात जाए, मैंने पता नहीं नौचंदी की होंगी ना, मैं जानता था हम तो मानते नहीं थे किसी को, असी वो वाले साढ़े कहने से असी नहीं किसी मानते, ठीक है। तो ये पता पुता कोई नहीं था, मानना क्या होता है, किसको मानना होता है क्या नहीं मानना होता, बस सुन सुना के ऊपर से ये 50 और 500 का तवीज जो था उसने रहती सहती कसर निकाल दी थी, यार छोड़ो परे सारे। डॉक्टरों पे नहीं गुस्सा आया, वो जो मर्जी कह के दवाइयां देते रहे हैं, अली वैक्सीन लाओ है वाला टीका लाओ, वो था नहीं कभी गिला की, कम अज कम खालिस होती है, शराब 70% में होती है, कम अज कम शराब तो होती है।
देखिए खालस असल चीज होती है, होनी तो खालस चाहिए ना, हराम हो या हलाल हो। तो अपने आस्ते साढ़े को बड़े बहाने सन, दूजे आस्ते असं इन्नी कि छड़न से तैयार नहीं होते। ये 500 वाला तवीज पहले क्यों नहीं दिता, वो पहले ही नाराज थे हम। अब इसी बार बाबे को भी नहीं आपको मान रहा था। तीसरी बार मैं दिल में सोच, तो मैंने खाना उधर दाता साहब ने देखा, बल्कि नमाज पढ़ा था, वो यूं करके चले गए। मेरे साथ एक दोस्त था, वो मेरे से भी बड़ा कट्टर बाबी था, ठीक है। वो भी नाना जी बाबा मन्ना बड़ा मशहूर सी, कुरान शरीफ पढ़ाते थे बाटी में। ये माशाल्लाह इसके अबू वगैरह दादा इसके पढ़ पुड़ गए, वो बहुत ज्यादा आई थिंक आखिर में जमात इस्लामी भी ब्रेक लगाई उन्होंने जाकर। और वो भी अपनी जगह तंग सन कि बाबा मन्ना सारे बच्चे लैके दादा साहब चले जाता सी, मैं दादा साहब को सलाम करो, वेखो उन्होंने इन्हू ज्यादा प्यार किया, ठीक है। वो इधर ना बैठो, इतने जिन बैठा है कुरासी पढ़ता पे। वो बच्चे बड़े होते, जब उन्होंने एमए बीए कर ली है, मास्टर सारों ने की है, वो अब्बा जी तू फारिग हो गए, ठीक है। अब्बा ते अब्बे का दाता दो ही छड़े उन्होंने, अगू अगली औलाद ने भी सियाणा पढ़ाया। वो मेरे ना स्टीफन हॉकिंस दियां गल्लां करदा सी, हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ाता सी मैनू। वो मेनू नाल दाता लग गया सी कि सर तुसी की करन जाना है, तंग आके मैं चला गया तो अम्मा जी जान नहीं छोड़ती। तो वहां पे मुझे तो कोई नहीं मिला, वो आखिर में नमाज पढ़ने खड़े हुए ईशा की, रमजान थी मुझे याद है। अब भी जब मैं बाबा जी के सामने बैठा तो 27वीं रमजान थी 2002 की, और 2 दिसंबर थी आई थी। और उस वक्त 1 साल पहले वो भी रमजान थी, और पहली जुमेरात थी, और कोई महफिल ना दादा साहब में शायद रात को हुई थी। अब वो सफो मस्जिद जो थी उसमें भी सफा दे चावल, कोई इतने बैठा ही, कोई उथे सुता ही, दो रकत पढ़ने की जगह नहीं थी। रात 12:30-1 बजे, 11 बजे के हम गए हुए थे, दादा साहब जो दुआ होती है उस वक्त कोई दुआ होती थी स्पीकर में, उसमें भी शामिल हुए। वो दोस्त लगा हुआ, सर देखो इतने भी होने कबर है, मैनू एक गल नहीं समझ आती, इतू मैनू इतने सुकून बड़ा है। लेकिन यह नुसरत की कवाली सुन मैं इतना, मतलब भाभी भी सी लेकिन बिच रंग बिरंगा भी सी। मैं उसकी सुनी जा रहा, मैं अपनी जगह फंसे आ गया, यार मैंने किन्ने मिलना है, बाहर निकलो, ठीक है। दादा साहब ने भी कोई लिफ्ट नहीं कराई, जो कोई छोटी मोटी कब्रें हैं उधर उनके पाँव की तरफ, उन्होंने भी इधर उधर फिरदा रहा, कोई नहीं मिला मुझे। फिर जो सोए हुए थे उन्होंने ठुडे ठंडे मारे, एवं ही नंग दिया पैर वज जाए, यार उठ मैनू मिल ला, मैं दोबारा नहीं आना, कोई नहीं मिला। फिर वो सेन में कई लोग बैठ के अल्लाह हू लगे हुए थे, उत्थे मैं भी फिर जुटना शुरू हो गया। वो भी तुहानू पता है लाहौरिये रह नहीं सकते, मैं सही उन्होंने कह रहे पूछा हैं। मैं यार इन्हों की होया, कहते जी ये अल्लाह हू का जिक्र कर रहे थे। मैं कह यार आराम ना कर लेना, अल्लाह ने भी वक्त पाया, हू ने भी वक्त पाया, गर्दन का मन कहीं ना टूट जाए। वो मुझे खेचता फिर, सर की कर रहे, लोग मारनगे की करते इधर, वो अपना लगे हुए हैं। एक मुझे अभी तक याद है, वो बंदा बैठा हुआ था बोधी वाला, बाल होते हैं सिर्फ, गंजा बंदा बोधी, ऑरेंज कपड़े थे, उसके ऊपर मलमल का कपड़ा पकड़ के, उसी तरह एक और लड़का सा ओदी भी बोधी, ओदे ते कपड़ा फाड़ के इस तरह करके तो खड़ा है। चांद 5वीं 6वीं का चांद किन्ना को होगा। वो रात 12-1 बजे बिल्कुल सहन जो दादा साहब का मस्जिद वाली साइड का, वो ओदे बैठा है। हुण उत्थे असीं चले गए, यार की हो रहा है, वो अपनी तपस्या उसने मस्जिद की तरफ फीड की हुई दादा साहब की तरफ, लेकिन काफी फासले थे। किसी ने पूछा भाई जाने की हो रहा है, उन्हें कहा जी ये इंडिया तो आए ने साधु महाराज ने, ते उन्होंने चेला है, ठीक है, ते तपस्या कर रहे। मैं क्या चेला तपस्या कर रहे हैं? कहते नहीं नहीं वो तपस्या कर रहे। मैं क्या यार उदी तपस्या, उदी बाहां अकड़ गई होनी है, ठीक है। अपनी तो इन्होंने पिट मस्जिद अल की है, मुंह दाता अल किया है, उदी पिट दाता अल कराई है, मुंह मस्जिद अल किया है, मैनू लगता उदी कबूल हो जानी। मतलब यह जुगतां सी कोल मारे, उन्होंने नहीं, दोनों ने आंखें नहीं खोली, वो बेचारे अपने। तो इस एटीट्यूड के साथ तो मैं दादा साहब गया, और वो अब ईशा की नमाज पढ़ने, अब रात को हम उधर घुस गए कि यार ईशा रह गई थी, चलो तो पढ़ लीए। मस्जिद में भी गए तो वहां मुझे और गुस्सा चढ़ गया कि यार ये मस्जिद का तकद्दस है, तुम्हें पता है इस्लामिया तो साड़ी फौरन जाग जाती है ना, अपनी माशरे लूम भावे सारी फेल हो गए, ठीक है। तो बड़ा आवाजार कि यार मैंने 2 नफल पढ़नी है, जिधर बैठे या आगे बंदे बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं या सोए हुए हैं, कुछ फलांगते फलूंगते बिल्कुल मेहराब जो है जहाँ वहां तक पहुंच गए, एक हाथ सब छोड़ के वहां खड़े हुए कि यहाँ पढ़ लेते हैं दोनों, ठीक है। तो यूं ही मैंने वो नियत की है, तो सामने इस तरह नजर पड़ी तो ये बाबा जी बैठे हुए थे, पहले से ही बैठे हुए थे, हमने उसको गौर नहीं किया। तो या ये जहन में था कि यार 2-3 सफों का फासला तो है, और ये आप मुझे देख रहे हैं आई टू आई कॉन्टेक्ट, इनकी स्माइल जो है ना, असल में वो याद रखी, इनकी बड़ी एक टिपिकल सी शरारती स्माइल होती है, और आंखें इनकी जिसको आंखें खोल के देखते हैं तो वो फिर बड़ी कैची सी आंखें होती। अब मैं देख रहा हूँ कि ये बंदा सामने बैठा हुआ है, ये कौन है? और जो ही मेरी नजर मिली है
इनके पास एक बंदा बहुत, ये जहूरी साहब जिस तरह बड़े मुद्दबाना बैठे हुए हैं, तो वो बड़ा दोजानों वो साथ बैठा हुआ है, कोई बात कर रहा है, और बाबा जी ने ग्लासेस वो जो कई बार चेन वाली होती है गले में लटका भी लेते, वो थी, अजरक सर पे सिंधी टोपी, ये हुलिया मुझे याद रह गया। लेकिन अब ये बैठे हुए हैं और पास छड़ी भी है, मैं अपनी नमाज से भी गौर कर रहे हैं कि ये छड़ी जड़ी है ना सीधी नीचे रखनी चाहिए, इधर थले जड़ा रबड़ है ना एक गंदा होएगा, ठीक है। फिर जब वो साल के बाद मेरे साथ जामिया अशरफिया एक बार गए, तो मैं उत्थे उन्होंने कह ही देता, मैं क्या बाबा जी ये मस्जिद के अंदर जूती तो हमने बरकत है, जूती का भी एक इलम होता है, तो अगर वो पाक है तो फिर उसके साथ आ सकते हैं मस्जिद में, इस मस्जिद वालों का यही मौका है, ठीक है। जामिया अशरफिया में हम गए थे, हमारे ना अब्दुलरहमान अशरफी साहब को मिलने, तो मुझे वो छड़ी पे बड़ा मसला हो रहा था कि बाबा जी ये अंदर ही लगे हैं, मेरी शरीयत अपनी ठीक है, पता पुता काख नहीं, लेकिन दूजिया नु सीधा कर होता के बाबा जी को भी। तो खैर उस दिन वो पहले की बात है, दादा साहब ये भी मैं सोच रहा हूँ फिर अपनी नमाज वाल ध्यान, लेकिन उनकी जू ही मेरी आई कॉन्टेक्ट हुआ ना, तो उन्होंने यूं कर दिया, मैं नमाज ही होना कर लिया। अब मुझे बड़ा गुस्सा कि यार ये कौन है नमाज, मतलब ये बंदा इतने क्यों बैठा है। रकू किया तो ख्याल ये आना शुरू हो गया कि यार ये तो सामने है, सजदे में गया तो मेरे से सजदा ना हो, ठीक है, फिर अपने आप दिल तसलियां करें कि लम्बिया तू टाइम देख, 3 सफा का फासला है, मैंने इन्हू बिठाया, और मैं कितने जावा, मैं मंजी कितने डावा, ठीक है। मतलब नमाज में बंदा लगा होता है, या अल्लाह मैं उही कराया नू, तू देख रहा तू, मैनू नहीं पता, ठीक। अब दूसरी रकत शुरू हो गई है, दूसरी में एवं थोड़ा काना काना देखा तो वो देख ही जा रहे हैं, अब और गुस्सा गुस्सा भी, अब मैं थोड़ा शर्मिंदा भी होना शुरू हुआ, मैं कह यार ये मेरा कोई पेशेंट है या उसका कोई अटेंडेंट है, अब इसने मुझे पहचान लिया, ये पहले भी मैं बड़ा एम्बेरस होता था, कोई बंदा कहीं बाजार में मिल लेता है, कहीं कर लेता है, तो वो कह रहे डॉक्टर साहब ये वो, बंदा कहता है यार मैं ये, तू बेचारा इतने प्यार से मिल रहा है मुझे याद ही नहीं है, फिरौन तो नहीं किसी को, तो अपने तो थले वेखी से नहीं उतार हूँ अच्छे थे मैं सा, मैं यार ये पता नहीं अब ये बंदा मुझे चिपकेगा, पता नहीं कौन है, किसने सलाम करना है, मतलब ये याद कराएगा डॉक्टर साहब मैं दाखिल सा या मेरा बच्चा सी तुझे ठीक किया, ये हो गया वो, मैं क्या करूं यार, फिर नहीं इतने तो ये मैं तेन दसा, बहरहाल तो वो दूसरी रकत बड़ी मुश्किल च कादा, अता याद दे जो मैं उंगल चुकी है ना एक किस्म की, मैं इंज ही किया, लेकिन वो बाबा जी को मैंने देखा क्या थोड़ी चीजें समा, वो बड़े अजीब एक हंसी होती थी उनकी, मैं देखा उठ उठ रहे हैं लेकिन बैठे ही हुए हैं, वो बंदा कोई बात अपनी करी जा रहा था। तीसरी रकत भी हो गई, चौथी का सजदा मुझे पता है मैंने कितना मुश्किल किया था, ये सोचना शुरू हो गया मैं कि यार ये दोबारा तो नहीं पढ़नी पड़ेगी, गुनाह तो नहीं हो रहा, सजदा जो है थोड़ा मैंने अपनी नमाज में कैसे मस्जिद के अंदर तो नहीं इधर उधर हुआ जा सकता, और खड़ा भी मेहराब के सामने था, तो गुस्सा इन्हीं पे था कि यार बहन वाली जगह कितने बह गए ने, उधर मुंह इधर नु कीता है, ठीक है। तो वो उठ के मेरी तरफ चलना शुरू हो गया, मैं कादे में था, अता याद जब पढ़ा तो मेरे पास से गुजरे, तो इस तरह 3 बार करके तो चले गए, मैंने अपनी दरूद में जरा थोड़ा टाइम लग जाता मुझे, मैं उन दरूद पे पढ़िया, लेकिन फटाफट अपने वड्डे थे अपने बच्चे पढ़न नमाज तो भावे ना पढ़न रबी जल्दी बोलो, मैं उठिया मैं कहना कड़ी पढ़नी है मननी तेना है कोई नहीं, वड्डे पढ़ गए जड़ियां पढ़नी सन, छोटे पढ़नी हो तो फिर तू फीक देगा, अभी तो मंगी जाइए बाबा फड़ो, ये यानी ये कौन है बंदा, इसने मुझे ये 3 बार ऐसे क्यों किया ना, मैं समझा वो पीछे जाके बैठ गए, मैं कहा यार यही बंदा होगा मिलने वाला, यही ना हो कौन है हूज ही, वो दोस्त था उसने भी फटाफट सलाम फेरे, कहता सर जी जेब देखो, मैं तो मोबाइल रखता ही नहीं था, पर्स होता था, मैं कहनी जेब मेरी, वो नहीं सर जी ये बड़े ड्रामे उन्होंने की करता पैसे, मैं अब उठ के वापस जा रहा हूँ, कहना सर बाकी नमाजा पढ़ो, तो मैं कहा यार वो बंदा क्या है, सर छड़ो है कि फराड़े इतने यहोजे बड़े मिलेंगे, मैं खैर काफी बाहर तक आया दरवाजा भी देखा बंदा नहीं मुझे मिला, बाबा ही नहीं मिले, और 1 साल बाद वो तस्वीर मुझे इरिटेट कर रही थी, ये किसकी है, वो असल में इसी तरह कैप और सारे हुलिये में थी, बाबा जी लेटे हुए थे बगैर अजरक कैप शैप के, और पहचाना नहीं जा रहा था। वो जेहन में भी नहीं होता ना, 1 साल बाद एक मुलाकात जेहन में नहीं होती बात, तस्वीर मुझे जरा इरिटेट कर रही थी लेकिन जेहन में नहीं आ रहा था कि क्या है। तो तीसरी बार जब उन्होंने कहा दुआ करो, ठीक है, तो मैं दिल में अब सोच रहा कि अब अगर उन्होंने आंखें खिलवाई तो मैंने वैसे अपनी पूरी कोशिश की, मैं मेरा खुदा हुआ है कि मैं बैठे बैठे काफी अगे चला गया कि मतलब काबा हो सकता है कोई, मतलब मैनू नहीं नजर आ रहा यार, हर बंदे नु नजर आ रहा है, ये भी सोचा मैंने कहा शायद मैं ज्यादा करीब चला गया दीवार के साथ लगाऊं तो मुझे काला काला ही नजर आ रहा है,
थोड़े पीछे हो जाओ, बैक गियर भी कीता को दरवाजा नजर आ जाए, खुशबू आ जाए। अभी अम्मा जी कह रही तूने खुशबूएं आई, ठीक है अपने पसीने की बू आंदी थी, ठीक है। फिर वो एकदम ख्याल आया कि वो लोग इस तरह करके करते हैं दुआ, जो रूहानियत वाले होते हैं हाथ बांधते हैं। वो मैं हूं अपने सारे टिल लाना पे यार, मैनू भी कुछ नजर आ जाए, छोटा भरा आगे निकल गया, मैनू भी शायद मतलब कितनी बेशर्मी की बात है, सारे नजर आई जा रहे हैं मुझे नहीं नजर आ रहा, मैंने इधर को किया था, तू पसीने की बू आए। बहरहाल मैं यार हूं की करिए, मैं कह जाना पूछा दस जाएंगे मिनती आई नजर आया घूप नेरा है कुछ नहीं है, बो भी अपनी और बो है भी बड़ी सी साढ़े। वो आंखें खोली तो उन्होंने ऐनक लगा ली हुई, अजरक गले में डाल रही हुई, टोपी सर पे रख ली हुई, बैठ के काफी पेंसिल पकड़े। तो मैंने आंखें खोली तो मुझे कहते हैं और नंबर लिखा अपना पागल, तुझे खुली आंखों से नजर नहीं आता। खुली आंखों से ना तो मिट्टा नजर आता है यार, कि ये बंदा कभी पागल थे कभी खुले। मैं कि पहले कहने का मुझे तो नजर आता है, उसी देर में वो एकदम मुझे क्लिक, मैं कहा बाबा जी आप तो दाता साहब को केड़ा दाता, हम दाता उसको मानते हैं भाभी। मतलब थोड़ी देर को मैं ठिठका, फिर मैं कहा नहीं नहीं बाबा जी आप दाता साहब की मस्जिद है, मस्जिद बाबा कभी गया नहीं, कोई अंदर घुसने नहीं देता, ठीक है। कंफ्यूज यार ये मैंने आपको पिछले साल रमजान में, यार केड़ा रमजान बाबा, 24 घंटे खाने पीने वाला है, 24 घंटे पीने वाला, पीने पिलाने वाला, सानू पीने पिलाने की भी ना समझ आई उसने, 24 घंटे पीने पिलाने वाला क्या। मैं अपनी जगह कंफ्यूज, मैं कह यार ये बंदा वही है, मैं कह जी वो आपने यार तुम्हें तो खुली आंखों से नजर नहीं आता, और पागल जो 10 साल तूने दुआ मांगी है ये उसका जवाब है। और ये बात उन्होंने उस वक्त कही जब मैंने ना उठते हुए, मुझे कहते बस नंबर लिखवा, मैं नंबर लिखवाया, कहते बस अब जाओ शाम तो हो लेने दो। अब रात को वहां बैठे हुए हैं, शाम कड़ी होनी है, पता नहीं कौन सी शाम तो हो लेने दो। ये उनका बड़ा पेट फिक्रा था, बहुत थोड़ों को कहते थे सुबह तो हो लेने दो, ज्यादातर वो कहते थे शाम तो हो लेने, ठीक है। मैं कहते शाम तो हो लेने दो, मैं कह यार पता नहीं शाम दे रात दे ना टाइम पे 10-11 बजे दे, ये कह रहे हैं शाम तो हो लेने दो, पता नहीं क्या। मैं उठा तो मैंने अपनी तरफ से चलाकी से फार्मूला चोरी करने की कोशिश की, मैं कहा अच्छा जी ये जो दुआ आपने कराई है और सूरह रहमान, ये मैं भी बता दिया करूँ हर एक को, इजाजत है क्योंकि ये किसी पीर साहब के पास में बैठा हुआ था, तो उन्हें मैंने कहा था, उन्होंने जो मुझे उस वक्त जो फार्मूला बताया था कि इतने बार ला हौला वाला कुवत, मैं नाम नहीं लेता, बहुत बड़ी शख्सियत है, तो इतने 100 बार ये पढ़े, इतने 100 बार वो पढ़े, उसमें बाकी जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा हमें बड़ा फायदा हुआ। मैंने उन्हें कहा जी मैं डॉक्टर हूँ ICU में, मैं साथ बता दिया करूँ, मेरा अपना लालच यार, इन्होंने लोगों को फायदा होया मैंने तो हो ही जाएगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं इसकी इजाजत लेनी होती है, वो जिस तरह ना मैंने दसिया मैं डर गया, मैं भाई खाम खा ना किसी के छाबे च हाथ मारो। अच्छा भाई नहीं मैंने नहीं किसी को बताया, खुद मैं कीता जेड़ा भी करना कराना सी, लेकिन सच्ची बताऊं तो वो इजाजत से मेरे मुंह का जायका खराब हो गया बस, ठीक है। शायद असी कसाई भी अपनी मर्जी का लभदे पे जी, ऊट भी तो बड़ा वड्डा सी, यारां दे विच हिस्से सन, यारां दे बड़े हिस्से होंदे। तो वो करते कराते उस दिन मैंने उन्हें कह दिया फाइनल टच चेकिंग, बंदा चेकिंग करता ना अकल अलग होता, मैं क्या भला बाबा की कहना ये दिंदा है फार्मूला कि नहीं। तो मैं कह जी इजाजत मैं भी बता दिया करूँ, हाँ एडी जे गिद्दड़ सिंह ही है वो, आगे से कहते कहना बाबा इजाजत नहीं तरला कोई बता दे, हीरा मंडी की काकी बताती है तो सेम रिजल्ट है, राजी साहब बताते हैं तो सेम रिजल्ट, तो कोई बता दे। मैं क्या अच्छा जी मेरा कहना था मैं ICU में लगा दूं, हालांकि मैं लगा रहा था, मैं बता दूं सारे मरीजों, हाँ जिसको मर्जी बताओ जिसको मर्जी कहो, और पागल ये तेरी 10 साल जो दुआ मांगता रहा उसका जवाब। तो मैं थोड़ी देर को ठिटक गया था, लेकिन उन्होंने नहीं, मैं एकदम स्टन हो गया। उन्होंने फिर दोबारा 10 साल का वर्ड बोला, और मुझे 10 साल हो चुके थे डॉक्टर बने हुए हाउस जॉब करते हुए, 2002 में दिसंबर में वो ये बात कर रहे हैं, और जुलाई 1992 में मैं हाउस जॉब शुरू की। तो मैं थोड़ा सा हुआ कि इन्हें कैसे पता है कि ये मैं 10 साल से ये दुआ मांग रहा हूँ, लेकिन मैं इन चीजों से इम्प्रेस नहीं होता। मैं कहा अच्छा यार ठीक है होएगा, बाबी ने पता लग गया तीर तुक्का लग गया, लेकिन बात उनकी ठिठका जरूर मैं इस बात पर, उन्होंने कहा बता दो बस। फिर मैं बताना शुरू हो गया, खुद मैंने ना टेस्ट कराया नहीं, खुद भी किया लेकिन उस काम के लिए नहीं किया, मैंने बताना शुरू हो गया। तो एक पेशेंट मैंने उन्हें कहा, जब बीच में अब वो बार बार मेरी उनसे मुलाकातें शुरू होंगी, हॉस्पिटल आ जाते हैं बाबा जी,
अगर बाबा जी के थोड़ा सा तारुफ भी करवा दें। बाबा जी को, बाबा जी का तारुफ बता देता हूँ, तो बाबा जी फिर आना शुरू हो जाते हैं ख्वाबों में और बहुत ही खुद गर्ज है बाबा जी हाँ, उन्होंने अपने काम तो सुबह कोई चक्कर नहीं, तू तू सारी रात दा सुते हैं या जागे हैं, वो फिर डंडा लेके आंदे ने, मैंने पूछा बेटा काम करो तूने एक ही काम है दुआ कराओ, ठीक है। मैं तो कई बार लड़पड़ता था, बाबा जी अगले ही तो सुन लो, तुम अपनी दीन में जाई जा रहे हो, ठीक है। तो कहीं दिन रात गोली चल रही है, आग लग गई है, जमीन ऊपर नीचे हो गई है, जलजले आ गए हैं, सुनामी आ गया है, बाबा जी बाबा ही ने कहना चलो बेटा बाबा उधर को उधर जाना है, बाबा जी या आप किसी शादी पे, इतनी करीबी सी इसकी शादी पे जा रहे हैं, बाबा जी कहे बेटा बाबा आओ उधर जाना है वो उसको, बाबा जी मैं फोन पे करा दूंगा, नहीं, इधर आओ मेरे साथ, वो एक फलाने चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, एक बहुत छोटे से कद के जावेद कुरैशी आए थे, तो उस दिन मेरे घर बड़ी जरूरी चीज थी, पता नहीं मेरी सिस्टर इन लॉ थी, उसका रिश्ता देखने आ रहे थे क्या, तो मुझे फोन कर दी, कहते जी वो उनकी गाड़ी आएगी तुमने उधर जाना है, वो रिटायर हुए थे रिसेंटली, उसको पड्डा था पता नहीं क्या था मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे याद रह गया, मुझे याद है कि वो जाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, मैं मतलब घर से निकलूं सारा मेरे पे ही था, मैंने जो, अब मुझे कह रहे हैं अभी जाओ और गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर आई हुई है, वो सारी बात आई हुई थी, वो आए हुए वो वैसे मुझे मना कर रहे थे कि तुमने चल के नहीं जाना, उस दिन मुझे कहते हैं जाओ, अब मैं बड़ा परेशान कि ये दुआ खुद करा देना बाबा जी, ये क्या मतलब मेरा क्या जाना है, या और भी किसी को जो भी कहते थे, ये नहीं मेरे में वो खास चीज, लेकिन मैं ये समझता हूँ शायद मेरी ट्रेनिंग भी करा रहे थे, मुझे दिखा रहे थे फ्रॉन्ट क्लास से कैसे डील करना है क्या है क्या नहीं, वो भी मुझे याद है, चले जाना, फिर कई बार लड़ना भी बाबा जी से कि बाबा जी आपको अपने काम के सिवा अगले दिन तो पूछ लो मरदा पे जिंदा है, तो इसलिए फिर आ भी जाते ने दस देना, मैं उन्होंने डिस्कार्ड वो किसी को नहीं करते, आप कहेंगे ना जी मैं तो जी एक गंदी नाली की ईंट हूँ, वो ना चुप के सिर पे रख लेनी, तो बेटा बाबा मुझे तो चाहिए ही ये, आप तो प्यारे बहुत हैं, और बंदा उधर ही मान लेता मैं बहुत प्यारा तो हवा भरनी भी उन्हें बहुत आती है, और आखिर जो अन्ने गुड्डी लगी होंगी कभी गुड्डी उड़ाई है पता, अन्ने लगी वेखी हूँ वो भी, जो अन्ने लगी होंगी तो तन वहांदी है ना, तो फिर वो कहते कि चलो ठीक है बेटा बाबा आपकी मर्जी, तो फिर जो डोर छाड़ देने तो फिर अन्ने लगी तंग जिम्मे आंदी है ना थले, तो हवा कढ़नी भी उन्होंने आती, ठीक है बुलिया की हवा चाढ़ना भी आंदा उन्होंने, टांगे वाले पिछले लाने भी आंदा, ठीक है मैं क्या बसंत भी बिच मनाई है ना लाहौर के बिच बसंत ही होनी मन तो टांगे ते बुले ते अन्ने ते, तो खैर तो आ जाते थे मुख्तलिफ तीनों हॉस्पिटलों मेरे पीछे पहुंच जाते थे, और मैं अमूमन छुपता फिरता, मतलब उन्हें फटाफट जाके मिलने की कोशिश करता था, कि इससे पहले जहां लाउड स्पीकर सिस्टम होता था या एक्सचेंज का सिस्टम होता था अनाउंसमेंट वाला, अचानक अनाउंसमेंट हो जानी पागल डॉक्टर जो फलाना जगह रहा करे, किसी स्टाफ का बोल रहा है डॉक्टर जावेद ये कोई बाबा है, वो इधर कह रहे हैं इमरजेंसी में आ कह रहे हैं इधर कोई पागल डॉक्टर है तो भागना क्या रही है बाबा जी क्या कर रहे हैं, तो वो उनका प्यार था उसमें मैं बताई जा रहा था, तो पेशेंट कोई था वो उन खातून को, अगर वो भी कहीं सुन रहे होंगे तो उन्हें पता, वो यंग लेडी थी मैरिड, बच्चा भी उनका शायद बड़ा छोटा सा, बहुत ही बहुत प्यारा चेहरा था, बड़ी प्यारी खातून थी, अल्लाह के साथ उनकी कंपनी होगी, यंग लेडी, वो गाड़ी ड्राइव कर रही थी अपनी अम्मी वगैरह को मॉडल टाउन, उस वक्त शायद जुमा बाजार या इतवार बाजार में की शॉपिंग गई थी, वहां डाकू ने उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की डे टाइम पे, उसने शायद गाड़ी भगाई बेवकूफ, बाइक वाले लड़के, तो उन्होंने फायर खोल दिया, वो उसकी रीढ़ की हड्डी में लग गया, तो उसमें नीचे वाला हिस्सा पैरालाइज हो गया, अब मैंने उसे सूरा रहमान आईसीयू में आई, मैं सूरा रहमान सुनाई, उनके मियाँ साहब थे, बच्चे नहीं थे सच, शादी हुई हुई थी बच्चे नहीं थे कुछ अच्छे से, तो वो उस पर भी वरीड थी, खैर मैंने उन्हें दुआ कराई तो वो बड़ा रोई और मुझे कहने लगी कि मुझे आपको नहीं पता मुझे इसमें से क्या मिल गया, वेंटिलेटर पे थी उतर नहीं रही थी, और वेंटिलेटर से तो उतर गई, उन्होंने बताया जी मुझे पता नहीं क्या मिल गया, लेकिन टांगे नहीं चली उनकी और मेडिकली चल नहीं सकती थी क्योंकि उनकी बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड सेक्शन हो गया था गोली, मुझे था कि ये भी ठीक हो जाएगा, तो बाबा जी इस तरह वो काकी है ये है वो है, अपनी तरफ से बड़ा एंथुजियास्टिक, जो वेंटिलेटर से तो उतर गई है, सांस तो चल गया, ये हो गया वो हो गया फलां हो गया सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन टांगे नहीं ठीक हो रही, यहाँ पे उसकी गर्दन की गोली लगी, बाबा जी आगे से मुझे कहते अच्छा बाबा आएगा ना तो बाबे को मिल पाना, और बाबा जी उसके बेड पे गए भी, और उन्हें जाके कहते उसकी फैमिली भी थी, थोड़े से
वो भी नहीं मानने वाले, या यूं कह लें उनमें से कुछ मानने वाले थे कुछ नहीं मानने वाले। उनके खामन ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब कुछ दिन बाद, डॉक्टर साहब मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। मैं कि अच्छा जी। तो उसने कहा कि इस बंदे से आइंदा नहीं मिलना, जो भी मेरा उनके तले, काफी अरसे बाद यानी 15-20 दिन महीने के बाद छुट्टी होकर घर भी चली गई। तो उनकी उन्होंने बेगम ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आपने ना, वो मेरे मियाँ ने सख्ती से कह दिया कि डॉक्टर साहब से रब्ते खत्म करें। मैंने कहा कि हम जा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब ने आगे से कहा ही नहीं मेरे लिए दुआ करना या मदीना सलाम देना। ये बंदा मैंने पहले नहीं समझ आ रहा है, कोई सही बंदा नहीं गा, इतना बेलोस क्यों होने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह जाने, वो लास्ट मेरा उनसे रब्ता उस जमाने में। लेकिन उससे पहले जितना मैं वो 20-25 दिन जब तक रही, मेरा था कि ये अपने पाँव पे खड़ी होना, रहमान फिजिक सूरह रहमान भी सुनाई, सारा कुछ, बाकी सारा कुछ ठीक हो, ये ठीक नहीं हुआ। मैंने अब बाबा ही से बात करने की कोशिश की तो हंस के मुझे कहते हैं कि हो गया, ये ठीक हो गया, अब ये बताया कर कौन नहीं ठीक हुआ और क्यों नहीं ठीक हुआ। फिर भी कोई सुई फंसी थी तो हॉस्पिटल आए तो उनके बेड पे गए, स्पेशली उन्होंने कहा ये तो फिरौन डॉक्टर है। मैंने कहा वो कौन सी काकी है जिसने मेरा फिरौन हिला दिया, 24 घंटे ये एक ही बात करता है, तेरा ही नाम लेता है कि वो काकी नहीं ठीक हो रही। इसकी दुआ, लेकिन इसकी दुआ भी फेल हो गई है। मुझे नहीं पता मुझे जुकते मार रहे हैं या मुझे कर रहे हैं, या ट्रेनिंग थी उनकी अपना स्टाइल, छेड़ते रहे थोड़ी देर। उस दिन मुझे कहते हैं कि जब वो छुट्टी होकर चली गई, मैंने कहा बाबा जी ये इसकी क्यों नहीं ठीक हुई। मुझे फिर प्यार से मुझे कहते हैं काका बाबा हम सिर्फ बता सकते हैं ना, मनाना हमारे जुम्मे नहीं है, बताना हमारे जुम्मे। मुझे ज़रा नहीं बात समझ आ रही थी। मुझे कहते तुमने खुद 7 दिन सुनी है। मैं ना फंसा हुआ था कि यार ये एक पेशेंट क्यों नहीं ठीक हुआ, मैं 100% रिजल्ट चाह रहा था। तो मैंने कहा नहीं भाभी मैंने खुद कभी नहीं सुनी, ना मैंने कभी उन्हें अपना मसला बताया। तो इस बात की वजह से मसला मैंने अपनी तरफ से मेडिकली फाइनलाइज कर लिया हुआ था ये कि हो गया ये ना। तो मैंने अपने वक्त में मरना ही मरना है, जिस वक्त भी कोई भी इनमें से एक्टिव वायरस होगा तो फड़का देगा, तो बस ठीक है जब मरना है। अब वो कहते हैं ना कि वो खतरा ही ना रहा, ठीक है अब पल्ले ही कुछ नहीं, की लुटोना है की जाना है, बस ठीक है मान लिया हुआ था। मैंने इसलिए रोजाना एक एक बार सिर्फ सुनी, तो बड़ी मुश्किल से मेरे 7 दिन हुए नागा पड़ जाता था। वो बाबा जी को मैंने बता रखा है ना, चलो फिर दोबारा कोशिश कर लो, ठीक है। तो वो मैंने 7 दिन सिर्फ इसलिए सुनी कि ये जो एक पेशेंट नहीं ठीक हुआ, ये ठीक हो ये गया शायद ना। मेरी वजह से नहीं ठीक हुआ, अगर मैंने 7 दिन सुनी होगी ना तो फिर रिजल्ट्स अच्छे आए, ठीक है। ओदे बाद ज्यादा मरीज नहीं ठीक हुए, ठीक है। यानी वो रेशो बढ़ना शुरू हो गई। और बाबा जी ने क्या छोड़ना, जो नहीं ठीक होते वो भी तो गौर किया करो क्यों नहीं होते। तो बाबा जी 2002 में मैं मिला और 2005 में उन्होंने पर्दा फरमाया, फरवरी में, 8 फरवरी को। और सऊदीया मैंने जाना था तो उसके लिए मेडिकल टेस्ट कराए। तो वो पहली बार जब मैं रिजल्ट लेने गया, इकरा मेडिकल सेंटर है अकबर चौक पर, मैं और मेरे साथ की डॉक्टर हम लेने गए, तो एक डॉक्टर अंदर से बाहर निकल रहा था, वो भी हमारे साथ गया था। वो बड़ा परेशान कहता है कि जुवेद साहब, उसको भी मैंने सूरह रहमान सुनने को कहा था, वो थे शेख अमीन साहब का काका था मुल्तान वाले जो है। तो उसको मैंने कहा अच्छा ये सुन लो, मुझे तो नहीं पता था उनका है। उसने सुन ली, मुझे बाहर निकलते कहता कि जी मेरा तो बी वायरस पॉजिटिव है और जुवेद साहब मैनू तो नहीं फर्क पड़ा। और वो अपनी जगह परेशान था कि मुझे शेख साहब ख्वाब में नजर आए हैं, वो बड़े गुस्से में थे, मेरा ख्याल है मुझे नहीं सुननी चाहिए थी, मुझे उन्हीं के फॉलो करना चाहिए था। मैं उसकी तो नहीं सुनी, मैं अपनी जगह स्टन हो गया। मुझे एकदम ख्याल गुजरा कि यार मेरे तो टेस्ट आगे होंगे रिकॉर्ड में कंप्यूटर में, और मैंने तो ये किसी को नहीं बताया हुआ मेरी जॉब, और ये बाहर के मुल्कों में अब मैंने जाना है। मैंने वो बड़े मरे मरे जाके खिड़की से अपना आईडी कार्ड दिया, वो रिजल्ट्स लेने थे। उसने बड़ी जोरदार मुबारकबाद और मिठाई खुआओ काउंटर वाला, ये क्या कह रहा है। मैं रिजल्ट्स देखे, बच्चों के भी साथ थे, बेगम बच्चों ने जाना था, मैं बार बार आरेख का नाम पढ़ूं कि यार मेरी कौन सी रिपोर्ट, और वो तीनों नेगेटिव थे। फिर मैं सऊदीया गया, वहां दोबारा हुए नेगेटिव थे। फिर मैं वापस आया 2007-08 में, यहाँ ज्वाइन किया, यहाँ हुए नेगेटिव थे, ठीक इसी सिलसिले में वो बीमारी है। कुछ रहा ही नहीं, याद नहीं रहा, पता ही नहीं था। और 99 में वो प्रिक हुआ था तो 22 है, 23 साल, ठीक है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, अब वो अल्लाह करीम शिफा देने वाला है, उसकी ज़ात, हम तो रिपोर्टों को मानते हैं ना, मेरी तो रिपोर्टें भी नेगेटिव ठीक। और पागलों की तरह बाबा जी के जाने के बाद फिर मैंने ये बताना शुरू,
ये नहीं है कि मुझे रेजिस्टेंस नहीं मिली, मेरी डॉक्टरों ने नॉन मेडिकल से ज्यादा जो साइंस के लोग हैं उन्होंने ज्यादा फेंटी लगाई, अभी भी लगाते हैं, ठीक है। मुझे अवॉइड ही करते हैं कि यार पागल ना बह के लुकी पागल ना कहने लगता है, या समझाते हैं कि यार ये तुमने क्या जिंदगी, ये टाइम जाया कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपनी डॉक्टरी करो, ये करो वो करो। जो उस जमाने में मेरी डॉक्टरी के मदार थे, मेरे शागिर्द हैं, स्टूडेंट्स हैं, माशाल्लाह लाखों करोड़ों के मालिक हैं, अपने घर एक दो तीन बनाए हुए हैं, गाड़ियां हैं। वो डॉक्टर साहब भी बाद में दुबई चले गए, जो सऊदीया तो नहीं जा सके साथ, फिर आयरलैंड चले गए, शेख साहब से ही जुड़े हुए हैं। आजकल मेरे साथ खिलाफ हुए हुए हैं क्योंकि मैं इमरान खान के हक में कुछ बोल बैठा, तो वो वहां से फिर आयरलैंड से लिखते हैं कि माफी का सबक देने वाले की कह रहे हैं जनाब। मैंने उन्हें फिर इनबॉक्स में लिख के भेजा कि किस कंजर ने मेरे को माफी मांगी है, तो मैं नहीं दी माफी, उन्होंने दे दिया जो मांगे, जो जो गलती के ऊपर गलती पे मादा हो, पंगे के ऊपर पंगा ले रहा हो, तो रब तो जान के मेरे वर्गे फन्ने खान कितना ना कितने टकराना हो जाए, ठीक है। साढ़े मुंह जो कोई बकवास निकल जाती है, असी भी फेल होंगे, ठीक है, ते ये भी डुब डब जाते हैं जेडे फिर होंगे, ठीक है, क्योंकि यही कंट्रोल करना। عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ